आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। लोकसभा का चुनाव यूं तो 1.5 से 2 साल बाद होना है, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश और देश में किस तरह से राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं उसको और कैसे अमली जामा पहनाना है, इस पर हलचल काफ़ी तेज़ है। लगातार अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश चल रही है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 37 साल का मिथक तोड़ करके बीजेपी ने अपनी सत्ता फिर से काबिज करवाई है और ऐसे में अब बीजेपी के जो मौजूदा मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि आप अलग अलग ज़िलों में जाइए, ज़िलों में गाँवों में रात्रि विश्राम करिए, लोगों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करिए और जानने के बाद उन समस्याओं का हल निकालिए। और इसकी जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चल भी रही है, ये रात्रि विश्राम करने वाले की। लेकिन इस सब के बीच अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश या देश में जो मुस्लिम वोटर है वो किधर जाएगा, इसको लेकर के अटकलें काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसी प्रमुख घटनाएं या प्रमुख ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक असमंजस बना हुआ है कि इस बार 2024 में वो किसके साथ जाएगा। आमतौर पर अमूमन ये मुस्लिम वोटर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा है, लेकिन 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पर ये मुस्लिम वोटरों ने बढ़ चढ़कर, इनका एक बड़ा हिस्सा जो था वो बढ़ चढ़ करके बीजेपी के साथ गया था। लेकिन क्या इस बार भी वो बीजेपी के साथ जाएगा, ये देखना है। फिलहाल अभी मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का करीब 14% हिस्सा जो है वो मुस्लिमों का है, करीब 20 करोड़ इनकी जनसंख्या है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार करीब 4 करोड़ मुस्लिम मतदाता या 4 करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आपने और हम सब ने देखा कि आखिर ये मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद कौन था, और वो पहली पसंद इस वक्त सत्ता में तो नहीं पहुंच पाया लेकिन विपक्ष में मजबूती से ज़रूर आया है, समाजवादी पार्टी। सब कह रहे हैं और असलियत भी यही है कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। सत्ता में नहीं समाजवादी पार्टी आ पाई, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी ये मुस्लिमों के सामने, मुस्लिम वोटर्स के सामने, मुस्लिम समुदाय के सामने एक समस्या के तौर पर खड़ी है कि अब हम किसे चुने, 24 के चुनाव में हम किसके साथ जाएं, समाजवादी पार्टी के साथ जाएं हालांकि वो केंद्र में या फिर अन्य जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है, तो ऐसा ना हो कि उनका वोट किसी भी तरह से बेकार या ख़राब हो जाए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र इस वक्त नहीं आ रही देश में, हालांकि केंद्र में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, तो क्या कांग्रेस के साथ ये मुस्लिम वोटर्स जाएंगे। या इसके अलावा बसपा की बात करें, बसपा कई राज्यों में चुनाव लड़ती आई है लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, सबको पता है। बताया जा रहा है कि उसके खुद के जो कोर वोटर्स हैं वो भी अब मायावती से दूरी बना रहे हैं और उनका जो मोहभंग होने के बाद दूसरा घर है वो ज़्यादातर बीजेपी और कुछ इधर उधर समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब ये मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाएगा, किस राजनीतिक दल को इन्होंने अपना माना है और 24 में वो उन्हें वोट देने वाले, मुद्दे क्या होने वाले हैं, कौन कौन से वो मुद्दे थे जिन पर वो पहले वोट देते आए थे और इस बार के क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन पर वो वोट देने वाले होंगे 24 के लिए या 24 की तैयारी के लिए। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर का जो ये उपचुनाव हो रहा है उससे काफी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक काफी मजबूत है और ये इस बार अगर वहां के कैंडिडेट यानी अपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके एक बार फिर से वहाँ का सांसद सपा के रूप में चुनती है तो ये तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और 2024 में
ये लोग किसे पसंद करने वाले हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इन दोनों ही सीटों पर जो लड़ाई है वो काफी अहम है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और बीजेपी का जो जमीन का काम है, जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं का काम है, वो काफी टक्कर दे रहा है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को। इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो पश्चिम की बेल्ट में भी मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक्स या फिर मुस्लिमों की जो संख्या है वो काफी अच्छी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। आरएलडी के गठबंधन के साथ 33 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी को बहुत हद तक सफलता तो नहीं मिली, 8 सीटें उनके खाते में आई, लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि वहां का ज्यादातर जो वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन के साथियों के साथ ही रहा है। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस पर विचार विमर्श और चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में इस समुदाय से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो उठकर निकल के सामने आए हैं, जिससे बताया जा रहा है कि ये काफी नाराज भी है। लगातार सत्ता की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो प्रमुख नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनसे मुस्लिमों को काफी हद तक फायदा पहुंचा है। और इसी को देखा जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों में भी मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। तो अब आगे की क्या रणनीति इनकी रहेगी, किस तरह से ये किसके साथ जाएंगे, ये देखना अहम होगा। लेकिन अभी बीते दिनों में या फिर अगर आज की भी हम घटना का जिक्र करें तो आज भी जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद काफी हिंसा होने का कई जिलों से दृश्य आया, इसके अलावा कानपुर की हिंसा के बारे में आप सबको पता होगा, तो इन सब पहलुओं पर अगर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर एक रोष है। और वो रोष कितना सही है, कितना गलत है, और 24 पर इसका कितना असर पड़ेगा, बीजेपी को क्या इसका नुकसान पहुंचेगा या किस राजनीतिक दल को इसका फायदा पहुंचेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर जहाँ कहीं पर भी किसी ने कोई प्रकार की साजिश करके शरारत की है तो जांच करके कार्रवाई करें, साजिश होगी तो पर्दाफाश भी होगा। दो राय नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो मुसलमानों के बीच जो समाजवादी पार्टी को लेकर एक नाराजगी थी कि वह चुनाव के दरमियान मुस्लिम मतों को तो लेने का काम की लेकिन उनके मुद्दे को नहीं उठाया, वह फिलहाल बर्फ खाने में जाता दिख रहा है। फिलहाल ये मान करके चलना चाहिए कि जो मौजूदा हालात है उस स्थिति में आज की तारीख में भी सर्वाधिक रूप से समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम मतों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। लेकिन अगर कहीं आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार गुड्डू जमाली चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं तो यह पूरी तरह से एक संदेश जाएगा कि दलित और मुस्लिम एक नया समीकरण स्थापित होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है करारी शिकस्त दे सकता है। करी जाए तो ये बहुत ही अहम वोट बैंक रहा है और ये किसके साथ इस बार जाएगा, इस पर हम विचार और विमर्श करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं मेहमानों को रूबरू कराता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद अनीस साहब हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी से हैं, इमरान लतीफ़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, हमाम वहीद हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आरिफ महमूद साहब हमारे साथ आरएलडी से हैं और इसके अलावा आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आमिर साबरी साहब आपके पास आना चाहूँगा। लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसको लेकर के मुस्लिमों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और आज भी आपने देखा ही होगा, हम सब जान रहे हैं कि क्या क्या हुआ जुमे की नमाज के बाद। इन सब का कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर, और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि 19 में एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ गया था, तो इसका क्या नुकसान पहुँचेगा इन घटनाओं से या फिर इन मुद्दों को लेकर के अगर सोचा या विचार विमर्श किया जाए तो? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस का मुझे हिस्सा बनाया। देखिए जहाँ तक राजनीतिक बात है तो मैं आपको बता दूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तुष्टिकरण की राजनीति होती आई है और विशेष तौर से इसमें मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया क्या गया बल्कि बनाया गया, 1885 1886 के फैसले एक जगह पर, अब वो सब
कागजों में दर्ज हैं, अदालतों में भी मौजूद हैं, कोई विवाद नहीं था, बाबरी मस्जिद का दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन 47 में देश की आज़ादी के बाद 49 में उसमें मूर्तियां रखा के बाबरी मस्जिद को 22/23 में एक तुष्टिकरण की राजनीति शुरू की गई। वो तुष्टिकरण की राजनीति करते करते 86 में ताला भी खोल दिया गया, उसके बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया। ये तुष्टिकरण की राजनीति होती रही, लेकिन यहीं पर जब 89 में जब चुनाव हुआ नवासी में, अभी की बात कर रहा हूँ, देखिए एक भूमिका तो बनानी पड़ती है, जब हम परिपेक्ष में नहीं जाएंगे पृष्ठभूमि जरूरी है। देखिए 86 के बाद से फिर जब 89 में आइए तो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े, मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े, मुसलमान फिर न छिटका। और ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा था मुसलमानों में, जिसके तई जनता दल और भाजपा को लोगों ने चुना, लेकिन उसके बावजूद एक फिर फाड़ पैदा करने की हिंदू मुस्लिम में कोशिश करी गई। फिर अब हिंदुत्व की तुष्टिकरण जो जैसे कांग्रेस करती थी वैसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी, और करने के बाद 89 में ये रथ लेकर निकले, सरकार बनी 90 में रथ लेकर निकले, और फिर पूरे देश ने देखा कि सांप्रदायिक दंगे हुए, और उसके बाद फिर 91 में कांग्रेस सरकार बन गई, उसके बाद फिर वही तुष्टिकरण की राजनीति, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी कांग्रेस की, तब इन्होंने फिर एक तुष्टिकरण का खेल खेला गया कि हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मुसलमानों का फुल वोट लिया कांग्रेस ने, इसलिए लिया कि 2004 में सारे दल एक मिलकर के कम्युनिस्ट पार्टी थी फ्रेंड, मतलब इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट साथ में था, ममता जी साथ में थी, सारे मिलकर के एक सरकार बनी, बढ़िया सरकार चली। उसके बाद 2009 में मुसलमानों ने पूरा के पूरा वोट कांग्रेस को दिया, लेफ्ट भी किनारे हो गया, सरकार से लगट गया, फुल फ्लेश सरकार कांग्रेस ही बन गई। 2004 में इन्होंने एक लाली पाव दिया मुसलमानों को, सच्चर कमेटी का, सच्चर कमेटी बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी सिर्फ बनी, जिसका धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। 2009 में मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि चलिए अच्छी सरकार चली है और बढ़िया सरकार चलेगी 2009 में भी, लेकिन वोट देने के बाद फिर वही डाक के तीन पाद, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, सच्चर कमेटी ठंडे बस्ते में डाल दी गई, और ठंडे बस्ते में डालने के बाद फिर 5 साल पूरे कांग्रेस ने ऐश करी। 14 में माननीय मोदी जी ने वही तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आ रही थी, वही मुस्लिम हिंदू राजनीति मोदी जी शुरू करी, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, भले परसेंटेज कम हो गया हो, 14 में वोट दिया। उसके बाद जब लगा लोगों को कि थे ठीक है, जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर बहुत बेइंतहा बनकर आगरा, इसमें कोई दो राय नहीं और मुझे कहने में कोई हार नहीं है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मुसलमानों को आतंकवाद के रूप में बंद किया, आतंकवाद के रूप में पेश किया, ये देखिए जिसकी जितनी भी निंदा की जाए नितिन जी बहुत कम है, और इसका कहीं ना कहीं मुसलमानों में आक्रोश भी रहा। लेकिन अफसोस कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं धर्म होता, लेकिन नहीं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद पिछली सरकार में अच्छी खासी तादाद में मुसलमान छोड़े गए, उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए, छोड़े गए, इसका मतलब यह कि फर्दी तौर से मुसलमानों को बंद किया गया। मोदी सरकार में 14 से लेकर 19 तक मुसलमानों को कोई बंद नहीं किया गया आतंकवाद के रूप में, लेकिन एक दूसरा रवैया अपनाया गया हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। लेकिन 19 में भी मुसलमानों ने अच्छा खासा मोदी को वोट दिया, वो छोड़ दिए। 22 में भारतीय जनता पार्टी को योगी सरकार ने वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ नितिन जी आपसे और जो हमारे साथ पैनल बैठे हैं उनसे भी कि ये बताइए कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर अचानक ये ज्ञानवापी का मुद्दा, ये क्या तुष्टिकरण नहीं है? फिर उसके बाद ये अचानक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से जिस तरीके से मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कराई गई अभद्र टिप्पणी करके, ये सब क्या है, क्या मतलब है इसका? क्या देश में अमन चैन ये राजनीतिक दल हमारे देखना नहीं चाहते या इनको पसंद नहीं है? ये तुष्टिकरण की राजनीति कब तक होती रहेगी इस देश के अंदर? एक के खिलाफ एक को कब तक इस्तेमाल किया जाएगा? लेकिन कई चीजें तो बीजेपी ने करी भी है ना मुस्लिमों के लिए, जैसे अभी मान लीजिए 3 तलाक के अगर मामले पर हम चर्चा कर ले तो वो एक पॉजिटिव है। अगर हम बात करें बिल्कुल 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 नितिन जी, देखिए पहली बात तो ये 3 तलाक का जहां तक मामला है तो तलाक के ता से भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन वाकिफ नहीं है। तलाक का मुद्दा मुसलमानों का अपना पर्सनल था, लेकिन 3 तलाक मुसलमानों के किसी भी अकीदे में किसी भी मसलक में है ही नहीं। सिरे से 4 मसलक अहले सुन्नत में इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम शाफई, इमाम मालिक, चारों मसलक में कहीं 3 तलाक नहीं है। ये मुसलमानों का जबरदस्ती बनाया हुआ एक हरबा था। दूसरी बात, हमारे अकीदे और मसलक में अगर तस्बीह लेके बैठ जाइए और कहिए तलाक 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 313 बार कहिए तो भी तलाक नहीं होती। हमारे यहाँ 3 उलामा बैठते हैं, आलिम बैठते हैं, उसके बाद तलाक का मसला। आगे का क्या है, आगे किधर जाने का मूड है आपने? आगे देखिए अभी चुनाव दूर है, देखिए ये उपचुनाव से हम नहीं आग सकते। उपचुनाव का मामला ये कि छोटा 1-2 सीटों पर चुनाव हो रहा है प्रदेश के अंदर, तो इससे तो आगे की रणनीति हम नहीं, ना तय हो सकती है ना की जा सकती है। ठीक है, ठीक ठीक, मैं आऊंगा। हमाम वहीद, ये साबरी साहब कांग्रेस से ज्यादा नाराज हैं बीजेपी के मुकाबले, क्या भाई, क्या ऐसा आप लोगों ने किया, क्यों आपसे इतना नाराज हैं लोग? नितिन जी, कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण में विश्वास,
जाने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका। जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो या किसी भी समाज भय को मिटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने संविधान बचाने के लिए लड़ाई, देश की आजादी से लेकर देश में संस्थाओं को स्थापित करने में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस वक्त देश को कांग्रेस को मिला था जब सुई का कारखाना नहीं था और हमने इसरो डीआरडीओ तक के संस्था को स्थापित किया और लगातार हमने 70 साल में देश में लोकतंत्र को मजबूत किया और लोकतंत्र को इस तरीके से पोषित किया कि 70 साल तक सभी संस्थाओं की जो स्वतंत्रता थी उसको हम बरकरार रखा। पिछले कुछ दिनों से 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी जिनका विश्वास है तुष्टिकरण में, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्थाओं को कमजोर कर रही है। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन ये आमिर साबरी अभी कह रहे थे इमाम वहीद की सबसे ज्यादा मुस्लिमों को आतंकवाद के रूप में आप ही लोगों ने पेश किया, बीजेपी की सरकार आई तो कई लोगों को जेल से बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो बेगुनाह थे। ये आमिर साहब का अपना तर्क होगा, मैं ये कह बता दिए सच्चाई क्या है। सभी समुदाय के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की शिक्षा से लेकर मुसलमानों की विकास के लिए हर तरीके से, ना हमने कभी धर्म के नाम पे, ना हमने कभी जाति के नाम पे, ना हम धर्म और जाति से ऊपर उठ के हम राजनीति करते हैं, हम देश की विकास की बात करते हैं और देश में अल्पसंख्यक से लेके बहुसंख्यक, अगड़े पिछड़े, सभी जाति सभी धर्म का विकास होगा तभी जाके भारत देश का विकास होगा। और हम कभी भी धर्म का चश्मा ना तो पहने हैं ना पहनेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो है जो धर्म के नाम पे राजनीति करती चली आई है। कांग्रेस पार्टी लगातार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अगड़े पीछे सबके विकास की बात कर रही है और हमारी जो स्कीम है जो नीतियां होती है वो इस देश के जन जन लोगों का उनके विकास की, युवाओं के रोजगार की बात होती है, कारखाने और इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। और आजकल जो तुष्टि क्या बीजेपी नहीं कर रही क्या ये सब इन्होंने धर्म, मैं तो बताया 2014 के बाद से विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है क्योंकि हमने 25 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की नीति ने 27 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। ठीक, मैं आता हूँ। मोहम्मद अनीस साहब हमारे साथ बीजेपी से। अनीस भाई, आप लोगों से ज्यादा नाराज दिख रहे हैं साबरी साहब, हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने आपकी तारीफ भी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति आप लोगों की तरफ से की जा रही है और कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या कारण है? हमाम वहीद भी इसी बात को कह रहे हैं, अपना वो नहीं देख रहे हैं घर, आपका बता रहे हैं कि खराब है। देखिए, इतने सालों से कांग्रेस पार्टी देश में शासन कर रही है, अल्पसंख्यक आज भी उसी हालत में है बल्कि और बदतर हो गया है। अब इसको क्या कहेंगे, ये कांग्रेस का विकास कहेंगे? अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो अल्पसंख्यकों की हालत आज जो है वो ना होती। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ काम कर रही है। महोदय, आपकी बात को मैंने सुना, आप मेरी भी बात को सुनिए, फर्स्ट राउंड में भी आपके पार्टी आ रहा हूँ, पहले राउंड इसका भी जवाब दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जिस तरीके जितनी भी योजनाएं चल रही है पूरे देश में और प्रदेश में, सब में मुसलमानों की भागीदारी 20-30% है। अब कांग्रेस और समाजवादी, इनको ये डर सता रहा है कि इस समय आने वाला 2024 के इलेक्शन में कहीं ऐसा ना हो मुसलमान पूरी तरह से भाजपा के साथ चला जाए, क्योंकि भाजपा सबको एक साथ लेके चल रही है, भाजपा सबके लिए काम कर रही है। इनको डर लग रहा है कि हमारा वोट छिटक जाएगा। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा विकास किया है तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा अब तक कोई भी दूसरा कोई भी इन्होंने यूनिवर्सिटी अब तक मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाई? ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं इस्टेब्लिश की? क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लेता, अगर पढ़ लिख जाता मुसलमान, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो इनकी बातों में नहीं आएगा, और इनकी बातों में जब नहीं आएगा तो वो सही रास्ते पे चलेगा। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों ना जाए? आप एक यूनिवर्सिटी बनाई है, ठीक है सर, एक भी ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं जाए? भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है, उनको रोजगार दे रही है,
उनको हर योजना में भागीदारी दे रही है। इसलिए मुसलमान का भरोसा दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है, और इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट दिया, और 24 के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बढ़ चढ़ के वोट करके। ठीक है, मैं आऊँगा, हाँ आऊँगा साबी साहब। हाँ इमरान भाई, क्या कह रहे थे आप? ये जो सबसे पहली बात तो नितिन भाई की इतने जरूरी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मैं आपकी पूरी टीम को आपको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत जरूरी विषय है जो काफी लंबे समय से छूट रहा था, जिसपे बात होनी चाहिए थी लेकिन बात नहीं हो पाई। मुसलमानों की जहां तक बात है, आजादी के बाद से लेकर और अब तक मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पर जो भी पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी के मुखालिफ रही, उनके विरोध में रही, उनके साथ जाती रही, खुल के समर्थन करती रही, खुल के वोट देती रही, खुल के वोट मांगती रही, लेकिन उनको मिला क्या? आप देखेंगे कि आजादी के बाद से लेकर और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही देश के अंदर, केंद्र में और तमाम राज्यों के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा ही बनाई गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। इसका मतलब साफ पता चलता है कि मुसलमानों के मुद्दों पर काम नहीं किया गया, मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए, मुसलमानों की समृद्धि के लिए कोई विशेष काम इन सरकारों के द्वारा नहीं किया गया। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से खाने में तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, बिरयानी में तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब वोट की हांडी चढ़ गई, खाना पक्के तैयार हो गया, तो तेज पत्ता निकाल कर फेंक दिया गया। सिर्फ इनके वोट लेने का इस्तेमाल किया गया, इनके जज्बातों के साथ खेलने का काम किया गया, चाहे जिसकी सरकार रही हो। मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तमाम पार्टियों ने राज्यों में सरकारें बनाई, केंद्र में जनता दल ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन सबका रवैया मुसलमानों के साथ एक जैसा रहा। किसी ने भी इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं की, इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की, और ये सबसे बड़ा दर्द आज जो है मुसलमानों का है। ठीक है, अच्छा क्या आप लोगों के आप लोगों के पास क्या कोई ऐसा एजेंडा या फिर कोई ऐसा तुर्क का पत्ता है जिस पर आप लोग बताना चाहेंगे कि हाँ मुस्लिमों के लिए बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा था। आज मुसलमानों की जो सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं कि शिक्षा के मामले में मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, अगर किसी बिना किसी भेदभाव के अगर हम अच्छे स्कूल बनाना शुरू कर दें और ये सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि समाज के हर तबके का बच्चा उन स्कूलों में पढ़े और फ्री में शिक्षा हासिल करें, और आगे के लिए उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं करते जाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं सबके लिए, हम जिस तरीके से हम दिल्ली में अगर मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए हैं तो हमने अगर मेजोरिटी वाले क्षेत्रों में बनाए हैं तो हमने माइनॉरिटी वाले क्षेत्रों में बनाए हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक का फायदा सबको मिल रहा है। आज अच्छे दिल्ली में जो अगर हमने अच्छे विश्वस्तरीय स्कूल बनाए उसका फायदा सबको मिल रहा है। हर जगह वो बनाने का हम काम कर रहे हैं, कहीं कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। हम मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, सबको साथ ले चलने की जरूरत है। जितनी स्कीम्स बनाई जाए उसमें ये बात सुनिश्चित की जाए कि समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर हो रहा है, अगर आज बिजली हम फ्री दे रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको बिजली फ्री मिल रही है, सबको। अगर महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है तो मुसलमानों को भी मिल रही है, हिंदुओं को भी मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, शिक्षा की सेवा अच्छी है, तीर्थ यात्रा अगर दी जा रही है तो सबको दी जा रही है। यही काम होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टिकरण के लिए काम किया जाना चाहिए, उसमें मुसलमानों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, मैं आता हूँ। तारिक खान हमारे साथ सपा से है, आरिफ भाई इसके बाद आता हूँ आपके पास। तारिक भाई, ये मोहम्मद अनीस साहब बीजेपी से, इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम लोग की तरफ से जो काम किए गए हैं उससे मुस्लिम वोटर हम लोग की तरफ आकर्षित हैं, और इसमें सबसे बड़ा डर जो है वो सपा और बीजेपी को ही है। हालांकि विधानसभा में आप लोगों को वोट मिला था, लेकिन अब आप लोगों को एक डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगा। देखिए, अगर कोई मीटर आपको देखना है तो इनके बजट को एक बार देख लीजिए। देखिए, डेटा जो होते हैं वो अपनी भाषा खुद चिल्लाते हैं। समाजवादी के 3000 का जो अल्पसंख्यकों के लिए 3000 करोड़ का जो बजट था उसको घसीट के 2012-11 में जितना था वहां तक लेके आने वाला काम किसने किया? भाजपा ने किया।
1500, 1400, 1500 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ यहां तक कौन लेके आई? इनकी आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता किसकी है? चिंता ट्रिपल तलाक की है। चिंता किस चीज की है? चिंता इस बात की है कि वो कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन सा कपड़ा पहन रहा है, जिसका अधिकार उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही मिल जाता है, डिफरेंट आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहीं से मिल जाता है। आप उसके, वो क्या खा रहा है, उसने हिजाब पहना है कि नहीं पहना, वो कौन से स्कूल में जा रहा है, वो उसके फंडामेंटल राइट है। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और उसको कुछ सालों में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ऐसे ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का भी काम अखिलेश यादव ने किया था। 20% अपनी ही 85 योजनाओं में से, मैं याद दिला दूं, अखिलेश यादव ने 20% अपनी ही योजनाओं में से कहा था कि उन योजनाएं जो 85 योजना हमारी चल रही है उसमें 20% लेकिन किया कुछ नहीं, कहते ही है सिर्फ नहीं दिया, 20% दिया उसको योगी आदित्यनाथ ने आके खत्म कर दिया 2017 में। ऐसा है, 18% आपने रिजर्वेशन का वादा किया था, दिया दिया। माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात आप साबरी साहब, मैं एक्सप्लेन कर दूं, रिजर्वेशन का वादा अगर मैनिफेस्टो में कर लिया गया हो उसकी बात अलग है, मगर सीलिंग है 50% की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में भी बार किया, रोका गया उसको कि आप सीलिंग को एक्सीड नहीं कर सकते। 2012 में 17 पॉइंट से आपके उसमें क्या नाम मेमोरेंडम उसमें सॉरी मैं मान रहा हूँ साबरी मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में आपके 17 पॉइंट है। आप हमें ये बता दिया आपने कितने पॉइंट में काम किया है। साबरी साहब मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 17 पॉइंट थे उसमें, जितने 12 मेरे लिखे हुए थे, हम क्या बताएं आपसे, 17 पॉइंट में आपने कितने में काम किया वो बता दीजिए। आप सुन ले, जो हमने काम किया वो सुन ले। स्पेशल प्राविधान ये किया गया था जिसको योगी गवर्नमेंट बनते ही खत्म कर दिया गया कि हमारी जो अपनी 85 स्कीम चलेगी, मेरा फोन कॉल पे है वरना मैं दिखाता आपको, उसमें 20% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को रहेगा। वो इसलिए किया क्योंकि सच्चर कमेटी ही ने कहा था कि ये वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, इनको अपलिफ्ट करना जरूरी है, जो कि समाजवाद का सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है कि वीकर सेक्शन को बराबर में लेके आना है। अब आपका सवाल है रिजर्वेशन का, हाँ हमारे मैनिफेस्टो में था रिजर्वेशन, उसको गलती कह लीजिए कुछ कह लीजिए, मगर ये भी सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जब रिजर्वेशन को बढ़ा के एक्सीड कर जिन स्टेटों में रिजर्वेशन अब 59% हो गया है, वहां कोर्ट का स्टे इसके ऊपर कि आप 50% रिजर्वेशन को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। हमारी सीलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जिन जिन स्टेटों ने सीलिंग को पार किया है या उसी में अलग से प्राविधान किया है, जैसे एक वीकर सेक्शन के लिए प्राविधान किया गया, उसको आप मेजोरिटी का जो बचे हुए लोग हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान है उनके अधिकारों को आप 50% से कम नहीं कर सकते। तो अगर हमने वादा किया था तो हमने अपनी योजनाओं में उसको दर्शाया। हाँ भाई, वादे की अगर बात हो रही तो वादे तो बीजेपी भी कर रही, तारिक भाई अभी आप जो गिना रहे थे, भाई बीजेपी के पास बीजेपी के वादे कैसे होते हैं? अनीश भाई कह रहे हैं कि हमने काम भी किया है, काम भी कर रही है बीजेपी ने, आवास दिया है, इसमें 20% से ज्यादा मुसलमानों को मिले, आप डेटा उठा के देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं फिर डेटा पे आऊंगा, ये किन डेटाओं के बेस पे ये कह रहे हैं कि 20% 30%, क्या 20% मुसलमान है इसलिए 20% मुसलमानों को मिल गया? ऐसा नहीं, अलग अलग योजनाओं में एक बात नितिन भाई, लास्ट बात जल्दी से, जल्दी से, योजनाओं की बात करते आज, मतलब कितनी बेसिक फंडामेंटल ये मिस्टेक करते हैं। कौन सी सरकार दुनिया में रही होगी जिसने योजनाओं में भेदभाव किया होगा? योजनाओं में भेदभाव ना कर कर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, जैसे 3 साल समाजवादी पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। ठीक है ठीक, मैं आऊंगा आरिफ, मैं बहुत देर से बोल नहीं पाए। आरिफ भाई, आपने सबकी बात सुन ली और आप लोग पश्चिम में काफी मजबूत हैं, 24 के लिए क्या रणनीति है, क्या तैयारी है और क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है? देखिए नितिन भाई, 2024 से पहले तो अभी 2 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं इस पर भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप 2 उपचुनाव में आप देख लीजिए, मायावती जी आज आजमगढ़ में इन्होंने गुड्डू जमाली जी को दे दिया टिकट, रामपुर में इन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, आजम खान साहब जेल से छूटने वाले थे तब ये मायावती का बड़ा झुकाव आजम खान साहब की तरफ था,
कि ये समाजवादी में न जाने पाए पलट करके और ये हमारी तरफ खींच करके चले आए, और वो अभी प्रयास 2024 के लिए उनका बरकरार है, इसलिए उन्होंने रामपुर में भी कैंडिडेट नहीं उतारा और आजमगढ़ में उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया। ये आज ये सही साबित हो रहा है सही मायने में कि ये बीजेपी की बी टीम है, मायावती जी दबाव में है कि वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में जीत जाए। कांग्रेस ने भी तो नहीं उतारा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं मैं वो भी जवाब दूंगा। इसलिए उन्होंने नहीं उतारा कि ये आज ये साबित कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का ये आपस अंदरूनी इनकी मिली जुली कोई भगत है। चलिए आप आजमगढ़ छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की आप जहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस का मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये सवाल आप कांग्रेस से कर लीजिए, उन्होंने नहीं उतारा। देखिए कांग्रेस का भी कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर दिख नहीं रहा है। अभी आपने देखा था विधानसभा के चुनाव में, आपने देखा मेहनत बहुत किया उन्होंने, प्रदर्शन नहीं कर पाए ढंग से, ये बात आप छोड़ दिए। अब रहा सवाल जो बीजेपी के साथी हमारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है, तो मैं अपने बीजेपी के साथी से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं 2014 के मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौजवानों की रोज़गारी के लिए क्या अभी भी वो वादा कर रही है या प्रयास कर रही है? 15 लाख रुपए सारे नौजवानों के पूरे देश के लोगों के जेब में आना था, क्या उस 15 लाख रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी प्रयास कर रही है? तुष्टिकरण की ये राजनीति नहीं कर रही है। मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ी इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति की है, मुसलमानों के ऊपर इन्होंने हमेशा हमला किया है, चाहे गुप्त रूप से किया हो। मैं आपको एक पुराने परिप्रेक्ष्य में मैं ले जाना चाहता हूँ कि जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी जी उस देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और उसी इमरजेंसी के दौरान इन्होंने नसबंदी इस देश के अंदर कंपलसरी कर दी थी। आप ये बताइए जो इस्लामी फिक्रो नज़र के ख़िलाफ़ थी, ये मुसलमानों के ऊपर इन्होंने कुठारघात हमला किया था और इस देश के सारे आलिम उलमाओं के पास जा जा करके ये कह रही थी कि अगर मैंने इसको कंपलसरी कर दिया है तो आप एक फतवा जारी कर दीजिए कि नहीं मुसलमानों के लिए जायज़ है। तो आज मैं आपके इस चैनल से उन कांग्रेस के अपने उन साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आप 1980 का मामला आप देख लीजिए, राजीव गांधी ने वहाँ अयोध्या में ताला खुलवाया, कांग्रेस की सरकार थी, 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, आप कांग्रेस का चरित्र देख लीजिए। और उसी मैं इमरजेंसी के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के अपने ही जमात के एक बड़े मखसूस लीडर थे, राज्यसभा सदस्य भी थे वो, सैयद अहमद हाशमी साहब, इंदिरा गांधी उनके पास गई कि तुम इस नसबंदी के फतवे को तुम जायज़ ठहरा दो। ज्यादा कांग्रेस से नाराज नहीं, नहीं कांग्रेस से नाराज नहीं है, मैं मुसलमानों की तुष्टिकरण की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी जितनी बीजेपी कर रही है उससे कहीं कांग्रेस ने भी अपनी हुकूमत में किया है, कहीं मुसलमानों को नहीं छोड़ा गया है। आज अगर समाजवादी पार्टी हम गठबंधन के लोग मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, आज जमीन पर भी लड़ रहे हैं, सदन के अंदर भी लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी बात उठा रहे हैं, तो कम से कम आज ये ना कहा जाए कि मुसलमान जो है समाजवादी के साथ जा रहा है। अरे आप अपने चाल चरित्र चेहरे को अच्छा कर लीजिए, मुसलमान आपके साथ भी खड़ा हो जाए। इमरान लतीफ आज भी कह रहे हैं कि हम लोग अपना चाल चरित्र अच्छा कर रहे हैं दिल्ली में, मुसलमान हमारे साथ जाएंगे। साहब इसके बाद नहीं, आप ये बताइए आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं ना जी, इनसे पूछिए आप, अभी दंगा हुआ था आम आदमी पार्टी कहाँ थी, मुसलमानों के साथ कहीं खड़ी थी? एक भी अगर मुसलमान उसमें नाजायज परेशान हुआ हो दंगे में, आम आदमी पार्टी कहीं किसी के साथ खड़ी हो तो मुझे आप बता दीजिए। ये झूठी राजनीति, मुसलमानों के पक्ष की बात करना टीवी डिबेट पर बैठ करके, मैं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से झूठा प्रचार आप मुसलमानों के लिए न करिए। जो आपका चेहरा है वो आप कहिए कि हम अगर बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो रही है तो हम भी बीजेपी के साथ हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए उनको कहने के लिए, सिर्फ वोट मांगने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप इस तरीके के झूठे प्रचार मत करिए। हाथ जोड़ करके निवेदन है, मुसलमान जहां है, हम तो आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति न करिए, मुसलमानों का मुसलमानों को आप इस प्रदेश के अंदर देश के अंदर उनको उनका अधिकार आप दे दीजिए, मुसलमान अपनी इबारत खुद लिख लेगा, मुसलमान अपना सब कुछ ठीक कर लेगा। ठीक, साबरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? देखिए मैं दो बातों का जवाब दूंगा, एक तो पहले तारिक जी की बात का जवाब दूंगा, इन्होंने 18% रिजर्वेशन की जहाँ तक बात थी उसके इन्होंने तो खैर पीछा छुड़ा लिया कि नहीं हम कर पाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर, अब चूंकि एक मसला ऐसा है और जो मेरा एक मिजाज है, मैं सच बोलता हूँ चाहे जो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए इन्होंने उससे तो पल्ला झाड़ लिया 18% रिजर्वेशन के, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस टाइम पे
एक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह एक प्रस्ताव लाए थे कि 4.44% रिजर्वेशन दे दिया जाए मुसलमानों को, तो सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव खड़े हुए थे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, हम इसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सबसे पहली बात, कुल मिलाकर के ये सिर्फ वोट लेते हैं और वोटों की राजनीति करते हैं, ये भी तुष्टिकरण करते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा बोल जाएंगे तो हो सकता है अभी बहुत सारी बात बहुत दूर तक पहुँच जाए। और जहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक साथी कह रहे थे अल्पसंख्यक मोर्चा के, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था 2022 में, आपकी फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई, उसके बाद फिर ज्ञानवापी मुद्दा का क्या मतलब था? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की पुष्पनाई उन अराजक तत्वों को है कि जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं और खुरेजी करना चाहते हैं, वरना क्या जरूरत थी कि ज्ञानवापी मुद्दा उठाने की? दूसरी बात जो हुआ निपुर शर्मा और जिंदल को लेकर, क्या जरूरत थी इस तरीके की हालात पैदा करने की? या किसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी भी, मैं कहता हूँ कोई मुसलमान भी अगर इस तरीके किसी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी करता और भावनाओं को हाथ करता, तो मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ तो उसको तुरंत जेल जाना चाहिए था। क्यों नहीं भेजा नुपुर शर्मा को जेल? क्यों प्रदेश का उद्देश्य का मौत किया गया? हां अनीस भाई देखिए, अभी जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, ये बिल्कुल तय है। अभी जो आपने मुद्दा उठाया, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, कोई भी हमारे धर्म पे उंगली उठाएगा तो हमको भी बुरा लगेगा। हम लोगों ने इस बात को अपने सीनियर लीडर को बताया, उन्होंने उसके ऊपर बात की और उसके ऊपर निष्कर्ष ये हुआ कि उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। हम इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को, मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की और मुसलमानों को एक संदेश दिया। दूसरा ये कि जो काम पार्टी का था वो काम पार्टी ने किया, अब जो काम कानून का है वो आगे कानून करेगी, उनके ऊपर FIR और बाकी जो चीज़ें दर्ज हुई उसको कानून अपना काम करेगी। अब क्या आप चाहते हैं कि पार्टी जाकर के कानून का काम भी करने लगे? कानून का काम कानून करेगा, तो और आगे जो कार्रवाई वैसे को क्यों जेल भेज दिया था? राज मोहम्मद को जेल भेज दिया, कार्रवाई RSS कार्यालय से उठने बम उड़ाने की धमकी दी, उसको उठा करके जेल भेज दिया। और रही बात ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे के भी बात मैं कर रहा हूँ, नहीं तमिलनाडु से पकड़ लिया गया, उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत जी ने साफ साफ कहा, आदरणीय मोहन भागवत जी ने साफ साफ कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ जो है वो राम मंदिर तक था, उसके बाद का किसी मुद्दे को हम बात नहीं करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया है माननीय मोहन भागवत जी ने, ठीक मैंने आपकी बात मान ली मोहन भागवत। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो मुसलमान पिछड़ा है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, रोजगार पाए और आगे बढ़े, इसलिए वो मदरसों में भी NCERT की किताबों को लागू किया, वो वहाँ पर भी वो शिक्षा देना चाहते हैं। मदरसों में आप मौलाना और मौलवी पढ़ के निकल रहे थे, वो जा करके कहाँ रोजगार पाते हैं? है इसका आपके पास कोई जवाब? तो क्यों ना, क्यों नहीं, अगर वहाँ पे बनाया गया है तो वहाँ पे शिक्षा के लिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की तरह से शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? भारतीय जनता पार्टी ने NCERT को वहाँ इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम करें, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, वहाँ से भी मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमान रोजगार में आगे आए। और रही बात नौकरियों को, तो कितनी सारी नौकरियां अब तक निकल चुकी हैं, कंटिन्यू काम चल रहा है इसके ऊपर, सरकार निकाल रही है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब से पूछूंगा कि आपके टाइम पे कितनी भर्तियां होती थी, सारी भर्तियों में घोटालेबाजी हो जाती थी। ये अभी दरोगा की भर्ती में क्या हुआ जो आपको कैंसिल करना पड़ा, इसमें घोटाला हुआ या नहीं हुआ, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो करें वो जांच का विषय है। ठीक 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 है ठीक है ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो जांच का विषय है, और अगर दूसरा जो कहकर के वो भी जांच करा रहा है। ठीक है, हाँ इमरान लतीफ कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? देखिए सारे जो पार्टियां हैं उनकी बात सुनने के बाद, अभी शायद RLD के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो जिस तरह का यही सबसे बड़ी समस्या है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज हिंदुस्तान की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो यही है कि पार्टियों ने इनको अपनी बाप की बपौती समझ ली है, ये इनके मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ये इनके मुद्दों पर संघर्ष नहीं करेंगे। आज दिल्ली दंगों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से तथ्यों को छुपाने की बात की रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हो जाते हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, किस तरीके से दंगे होते थे, किस तरीके से हिंसा होती थी, किस तरीके से मुसलमान जो है निशाने पर रहता था, ये किसी से छिपा नहीं है।
आज उसकी बात ठीक है, आप अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, सब ठीक है। दिल्ली दंगों की जहां तक बात है, सब जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं तो मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं, मैं चाहता तो मैं वहीं आपको टोक सकता था, लेकिन ये संस्कार नहीं है। कम से कम गुंडागर्दी सड़कों पर करिए। मैं जानता हूं आप लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, मुझे पता है कि आप लोग गुंडाई करेंगे, दबंगई करेंगे। आप लोग सत्ता से बहुत दिन से दूर हैं, गुंडाई नहीं कर पा रहे हैं, दबंगई नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडियो में बैठ के दबंगई कर रहे हैं। ये दबंगई की वजह से आप लोगों को इस तरह का आज नतीजा झेलने को मिल रहा है। जब पूरा उत्तर प्रदेश आना चाहता था भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जब पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था, तब आपकी इसी लुच्चई लफंगई की वजह से, इसी दबंगई की वजह से, आपके इसी निकम्मेपन की वजह से, आपकी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को वापस उत्तर प्रदेश में लोगों ने चुना, आपके निकम्मेपन की वजह से। अरे हमने तो दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को हराया, हमने पंजाब के अंदर भी हराया, पंजाब में 76 सीटों पर ये पूरी देश की जनता देख रही है। ये गुंडई किस तरीके से लोग करते हैं, किस तरीके से लफंगई कर रहे हैं, यहाँ बैठ के लफंगई कर रहे हैं। देखिए शब्दों की लफंगई किस तरीके से कर रहे हैं, सड़कों पर लफंगई कर रहे हैं। जनता ने इसीलिए जवाब आपको दिया है, आप कोई बात नहीं आने देना चाहते हैं। नितिन जी ऐसे लोगों को म्यूट करिए, कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं डिबेट में, कैसे लोगों को डिबेट में आप बुला लेते हैं, इनको बात करने का किस तरीके नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। ये देखिए कैसे लोगों को आपने बुला लिया है, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, कैसे लोगों को आपने बुला लिया है डिबेट में, कैसे आप बात रखने तक क्या अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई सुन लीजिए, अपने अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। अरे भाई ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ इमरान भाई, पर्सनल कमेंट ना कीजिए प्लीज। हाँ पर्सनल कमेंट का, मैं तो समाजवादी पार्टी के चरित्र की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर सुन ले, उसके बाद जितनी बातें कहनी बात कहें, मैं बैठा तो हूं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए नितिन भाई, यही सबसे बड़ा संकट है कि आज अगर नौकरियों की बात करें, रोजगार की बात करें, मुसलमानों के साथ कितनी बड़ी दिक्कत है। आप जाकर देखिए ग्रामीण अंचल में रहने वाले मुसलमान परिवारों में 4 भाई होता है, लेकिन अगर घर में किसी की मैयत हो जाए, अगर बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, और घर से जो है डोली निकले, तो 4-4 भाई होते हुए भी ये बदनसीबी मुसलमानों को हासिल है कि घर में अर्थी देने के लिए, मैयत को, बहन की डोली को विदा करने के लिए एक भी कंधा मौजूद नहीं रह पाता है। परदेश कमाने के लिए होता है, सऊदी में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, मुंबई में, दिल्ली में, गांव में रहने के लिए किसी को मौका नहीं मिलता। किसने काम किया इस पर बताएं? आज मैं पूछ रहा सब ये किसके लिए, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो केंद्र में रही, राज्य में रही। हमारी तमाम औद्योगिक इकाइयां थी, फिरोजाबाद की चूड़ियां मशहूर थी, बनारस में हमारा बुनकरों का बड़ा कारोबार हुआ करता था, संत कबीर नगर में बुनकरों का बड़ा कारोबार हुआ करता था, इस तरीके से तमाम अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर था। ये सारी चीजें कहां खो गई? आज अगर जिनकी सरकारें थी, इन लोगों ने इन सेक्टर्स में क्या काम किया, मुसलमानों को बुनियादी तौर पे मजबूत करने के लिए क्या काम किया? किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जज्बात भड़काने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ इनको उकसाने का काम किया, इनके जज्बात भड़काकर वोट लेने का काम किया और ठगने का काम किया। आम आदमी पार्टी का मानना यह है कि हम मुख्य धारा में लाकर काम करेंगे, जैसे सबके लिए हम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क के लिए काम करेंगे, वैसे इनके लिए काम करेंगे। एक मुद्दा आज की सियासत में मुसलमानों के लिए सबसे अहम है, वो सुरक्षा का मामला है। वो डर और दहशत में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को रखने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है, और बिल्कुल इस पर हम हर तरह की जायज लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लगातार लड़ रहे हैं। ठीक है इमरान भाई, ये आरिफ महमूद कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हां आरिफ महमूद पूछिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इमरान भाई, मेरे एक सवाल का आप जवाब सिर्फ दे दें, शब्द चंद शब्दों में आप दे दें कि आप मुझे ये बताएं, बिजली पानी ये सब जो मौलिक अधिकार है जनता का, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे किसी की सरकार रही हो, ये सब देती है, इनके अलावा हट करके आप ये बताइए, आप मुसलमानों के लिए कौन सी जायज पॉलिसी आप लेकर के आए हैं जो मुसलमानों, गरीब, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, पिसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, कौन सी नीति आप लेकर के आए हैं जो आज दबे कुचले हुए मुसलमानों को आप ऊपर उठा करके लेकर के आ रहे हैं, इस पर आप बता दीजिए कि आपकी सरकार
टर्म्स में रही है दिल्ली में, हम कहते हैं दो बार की मैं मान लेता हूँ, उस पर आपने कौन सा बहुत बड़ा आपने तीर चला दिया या मुसलमानों को आपने दे दिया, वो बता दें आप। ठीक है, हाँ इमरान भाई जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया आरिफ भाई। सबसे पहली बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर सबने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करी थी, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है, वो हकीकत क्या है वो पहले आप देख लीजिए। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर आप जाके खुद इस बात को देख लीजिए कि कहां आज जो पहले जिस तरह जितने बच्चे स्कूलों में आते थे और जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, आप जब बांटने की कोशिश करेंगे, अगर आप खाई पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उससे भला नहीं होने वाला है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप मुसलमानों को अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश जितनी बार करेंगे उतनी बार इन दक्षिण पंथी विचारधारा के लोगों को फायदा होगा। हम मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, हम मुख्य धारा में सवाल पूछा, मैं कह रहा हूँ मुख्य धारा में लाने का काम हमने किया है कि आप सबके साथ की बात आप कर रहे हैं, मैं इस बात की सहमत हूं कि हिंदू अलग नहीं है मुसलमान अलग नहीं है, हम मैं सब मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, मगर आपने स्वयं अभी बैठ करके ही कहा था कि मुसलमानों के लिए जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो अब तक की जो सरकारें आई उन्होंने नहीं किया, उस पर मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया था। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस का तो हमेशा से इनका दोहरा चरित्र रहा है, मैं तो उसको मानने के लिए नहीं तैयार। ज्यादातर केंद्र में कांग्रेस रही है तो जाहिर सी बात है मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं कह सकता, लेकिन जिसकी जिसकी सरकार रही है वो जिम्मेदार रहा है, उसके बारे में कहा जाएगा। ठीक है इमरान भाई, ठीक मैं आता हूँ। तारिक खान क्या कह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए अपनी। प्रकाश नारायण और लोहिया के सिद्धांतों पर बनी है, उस पे ऐसे आरोप लगाना गलत है जो कहा कि लोग समाजवादी के लिए जो वर्ड यूज किए गए वो सही नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट है और उन शब्दों को वापस लेना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब बीजेपी ने कह दिया कि हमारे यहाँ खुद ही फ्रिज एलिमेंट है, तो मैं तो मानता हूँ फ्रिज एलिमेंट सब जगह होते हैं, अपने ही प्रवक्ता को फ्रिज एलिमेंट बोल दिया, तो समाजवादी लोग बहुत सभ्य होते हैं, उनमें भी सब जगह फ्रिज एलिमेंट होते हैं, हो सकता है कि फ्रिज एलिमेंट हुए हो जिसकी वजह से आपकी ये मानसिकता रही है। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल और जो हॉस्पिटल थे उसके डेवलपमेंट के लिए वाकई में काम किया, मुबारकबाद है उसको। सच्चाई से कतई मुंह नहीं मोड़ना, यही लोकतांत्रिक सिद्धांत हमको सिखाते हैं और सिद्धांत बहुत नीचे आ गए हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो काम किया है अगर भाजपा का भी होगा सर, हर मंच पे उसको कह दूंगा कि हाँ ये काम ठीक है और ये काम ठीक नहीं है। अब जहां तक रही मुसलमानों की बात, तो इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया मुसलमानों के लिए जो वाकई में होना चाहिए। अभी इसी सरकार में बैठ के आप कहेंगे कि हम स्पेशल कर सकते थे, मगर आपने किया नहीं, ना आपने किया नहीं। इमरान लतीफ, अभी इमरान लतीफ इस बात को कह रहे थे तारिक कि आप लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो गया, शिक्षा की दृष्टि से हो गया, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ कर नहीं किया। अब मैं कह दूं जो बात जो मैं कहना नहीं चाहता था, मुलायम सिंह ने तो हद तक किया जहां लोग उनको मुल्ला मुलायम कहने लगे, पूरे पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया, तो मुलायम सिंह की या अखिलेश यादव की बात में करिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक दायरा बनाया, अगर आजम खान साहब ने बनाया तो पता नहीं सुनियोजित तरीके से ये कोशिश की गई कि उसको किसी तरीके से डाउन किया जाए। ये क्या है, वो दायरा बनाने में क्या गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं थी उन टाइम पे, क्या अखिलेश की रजामंदी नहीं थी ये कुश्ती बनाने के पीछे जो आजम खान साहब ने बनाई थी? अगर अखिलेश की रजामंदी ना होती तो यूनिवर्सिटी कैसे बन जाती और कैसे उसका सारा काम शुरू हो जाता? वो क्या डेवलपमेंट माइनॉरिटीज के लिए नहीं था, माइनॉरिटीज के लिए भी था, कोई रिजर्वेशन के साथ वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ आम लोगों के लिए बनी थी। और मुलायम सिंह यादव ने ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को लखनऊ में माइनॉरिटी का दर्जा दिलवाया, किसने दिलवाया? मैं खुद वहां का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट हूं, मैंने देखा है, मेरे सामने आकर मुलायम सिंह ने उसको तो माइनॉरिटी के लिए, मुलायम सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या अखिलेश ने किया जो अलग की बात है, कुछ कर पाए कुछ नहीं भी कर पाए बिल्कुल मानते हैं, जैसे अभी हमारे कॉलर साहब ने कहा रिजर्वेशन काम वाला नहीं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कर पाए, ठीक है मैं आता हूँ। हमाम वहीद ये बताइए, आरिफ खान आपसे इतना क्यों नाराज है, कई मुद्दों को लेकर के आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? अब कौन नाराज है कौन खुश है मैं तो उसमें नहीं जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखती, कांग्रेस पार्टी का जो विकास में विश्वास है, और हम किसी वो धर्म और जाति के चश्मे से देखते नहीं, इसीलिए हमने रोजगार दिया तो अच्छा, आप सब लोग कह रहे रोजगार दिया लेकिन रोजगार गया कहाँ पता नहीं चला, वही तो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आपको अधिकार दिया, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, हमने आपको सूचना का अधिकार दिया, हमने आपको खाद्य सुरक्षा का अधिकार,
कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहने पाए, कोई भी बच्चा नियमित शिक्षा से वंचित ना रहने पाए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आता हो, चाहे हिंदू समुदाय से आता हो, चाहे अंगड़ी समुदाय से आता हो, चाहे पिछड़ी समुदाय का होता। हमने अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी रोजगार दिया, हमने 45-25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। उसमें कौन लोग थे? सभी जाति के, सभी धर्म के। जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती, कांग्रेस पार्टी देश बनाने की राजनीति में विश्वास रखती है और हम काम करने में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था जो कह रहे हैं हम मदरसे में आरटीआई का सिलेबस, एनसीआरटी का सिलेबस लागू करेंगे। महोदय आपको मालूम नहीं, आपको डिफिनेशन नहीं मालूम है कॉलेज क्या होता है, मदरसा क्या होता है। आर्टिकल 29 के तहत हमें अधिकार है अपने मजहब के प्रचार प्रसार के साथ साथ इंस्टीट्यूशन खोलने के। जो मदारिस है उसमें मौलाना ही पढ़ाए जाएंगे। आपने कहा मौलाना पढ़ाए जाते हैं, आपको मौलाना से क्या आपत्ति है? मदारिस से वो कॉलेज नहीं है। कॉलेज 97% मुस्लिम आबादी, मुस्लिम समाज के लोग कॉलेज ही में पढ़ते हैं। अब 3% जो मदरसे में पढ़ रहे हैं आप उसको कॉलेज की पढ़ाई दे रहे, क्या आप मदरसे के अधिकार को और जो मदरसे की नियमावली है उसमें स्कूली शिक्षा नहीं दिया जाएगा? जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। क्या उसमें स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहिए? क्या स्कूली शिक्षा देना संभव नहीं है? क्यों नहीं दी जा सकती जब बिल्डिंग है, इंफ्रा है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो एक टीचर का ही तो अपॉइंटमेंट है। आप मदरसा बोर्ड से तनख्वाह लेते हैं, टीचर की तनख्वाह वहाँ से आती है जी, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए? चाहिए महोदय, आप देखिए सिलेबस में कि वहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है, वहाँ मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही है। ये तो अब शुरू हुआ है, ये तो अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है, नहीं पढ़ाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब शुरू किया है, एनसीईआरटी का जब से सिलेबस लागू किया है, इसके पहले से ही लागू है, इसको इम्प्लीमेंट अभी कराया गया, इससे पहले ये पूरी तरह से नहीं था। ट्रांसपेरेंसी तो अभी हुई है, मुझे ऐसा लगा। पार्टी देश को बांटने में लगी हुई, बांटने में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल इंडिया बनाया है, डिजिटल इंडिया। नौकरी छीनने का आज किया, आज हर चीज आपके सामने है। कम हो गए, पहले कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस हर चीज छुपा लेती थी, कागजों में खेल कर देती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सब डिजिटल कर दिया, हर चीज पोर्टल पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक ठीक है मैम। 70 साल से हमने जो बनाया, जो हमने संस्थाएं बनाए, जो कंपनियां बनाए, जो फैक्ट्री है उसी को बेचने पे लगी है। इस देश में अगर आज मुसलमान की स्थिति इतनी बदतर है तो उसकी देन आप हैं, कांग्रेस। और आपकी भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कई स्टेटों में ये ताला खुलवाया आपने, मुसलमानों को बांटा आपने, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, इसके पीछे कांग्रेस का ही पूरा योगदान है। कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, नहीं बनाया आपने महोदय। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ऊपर काम कर रही है, अब उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। इमरान लतीफ कुछ कह रहे हैं, आरिफ भाई इसके बाद आ रहा हूँ। इमरान जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए अभी मदरसों के बारे में तमाम गुणगान कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त, लेकिन पिछले 5 साल से मानदेय तक नहीं मिला है जो आधुनिक शिक्षक मदरसा के बनाए गए थे, जिनको नियुक्त किया गया था 2017 से उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। और यहां बड़ी बड़ी बातें की रही हैं कि इस स्कूली शिक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये जमीनी हकीकत है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पिछले 5 साल से मदरसा के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, मानदेय नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनीस भाई, ऐसा नहीं है, पिछली सरकार में बहुत सारा बकाया था जिसको हमारी पार्टी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, दे दिया है, कुछ रह गया होगा उस पर भी अभी बजट अलॉट किया जाएगा और आगे उसको निस्तारित किया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 2017 से लेकर अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई है। अनीश भाई कैसी बात कर रहे हैं आप तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको मदरसा शिक्षकों से मिलवाता हूं, उनके संगठनों से मिलवाता हूं, उनसे बात करता जो रहता हूं, मुझे जानकारी है इस बात आ रहा हूं तारिक भाई आ रहा हूं तो जानकारी है तो फिर आप गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक 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 हाँ आरिफ महबूद, आरिफ महबूद। लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी इसके बाद आ रहा हूँ, हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी सही कह रहे हैं, मानदेय वाकई अभी मदरसों में नहीं दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल इंडिया कर दिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि वो डिजिटल आपने कर दिया कि आज कम से कम देश की जनता देख रही है कि हमारे भारत का पैसा लेकर के मालविया भाग रहा है, भारत का पैसा लेकर के नीरव मोदी भाग रहे हैं, कौन कौन मोदी सब भाग रहे हैं, आने वाले कौन मोदी भागेंगे क्या होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जाने। मगर आप जिस तरीके से इस देश के अंदर आप चला रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूँ
कि जो जो आपकी नीत है, जो आपकी नियत है, इसमें और साफ गोई की ज़रूरत है। कम से कम इस देश की जनता ये सवाल ना आपसे कर पावे कि फला आपने क्या कहते हैं कौम के लिए किया, आपने फला के लिए नहीं किया। आप थोड़ा सा इसको और देखिए, ये बहुत अच्छा आप उत्तर प्रदेश को आप ले आएंगे, हम सब लोग मिलकर के आपके साथ रहेंगे। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 17% मुस्लिम का अलग से आरक्षण है, जिनमें चुन करके उनको शिक्षण दिया जा रहा है। बात कर रहे हैं उसमें ओडीओपी, ओडीओपी एक जिला एक प्रोडक्ट, दूसरी तरफ आप जो है जिस एक जिला एक प्रोडक्ट की बात की जा रही है, सुनिए, एक जिला एक प्रोडक्ट, आप इस विकास को इससे बुनकरों को और जो पिछड़े हैं जिनका जो रोजगार था, जिले का जो रोजगार था, उस जिले के रोजगार को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपने ये कहा था कि 10,000 रोजगार हम 100 दिन के अंदर देंगे, ओडीओपी योजना के थ्रू जिस जिले का जो प्रोडक्ट है उसको भारतीय जनता पार्टी उस जिले में रहने वाले फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप फायदे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर आप देखिए कि आप अगर एक फायदा दे रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा। आप बताइए आपके लोग, ये आप ही के पार्टी के लोग किस तरीके से नफरत फैला करके बात कर रहे हैं। आप कहाँ कहाँ बताते चले जाएंगे कि ये हम दे रहे हैं और मुसलमान खुश है, नौजवान के पास रोजगार है। कहाँ नौजवान के पास रोजगार है? अभी आपने नौजवानों को पीटा है, लखनऊ के अंदर मैंने देखा है, लड़कियों को आपने मार मार करके बस में भर करके उनको ले जा करके मारा पीटा है, रो रही थी, बिलख रही थी लड़कियां, अब आप झूठ बोल रहे हैं बैठ करके कि हम रोजगार दे रहे हैं सब लोगों को। ठीक ठीक ठीक, ये अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, ऐसी कोई घटना लखनऊ में नहीं हुई है। अरे साहब, फिर आप तो ये सब घटनाएं तो समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुआ करती थी। फिर आपको कुछ नहीं पता लखनऊ में, जब इसी लखनऊ में, इसी लखनऊ में, आप कहीं बाहर रहते हैं, इसी लखनऊ में जवाब दीजिए, आप लखनऊ के बारे में आप पता करिए। लखनऊ में हम लोग उस आंदोलन में उनके साथ खड़े हुए, इसी लखनऊ में सीओ को कार की बोनट पे घुमाया गया था, ये समाजवादी पार्टी से पूछिए आप। अच्छा, तो कार की बोनट पे घुमाया गया था, तो आप क्या यही मुजफ्फरनगर में डिप्टी एसपी को मार दिया गया था घुमाएंगे? देखिए, आप उनके साथ इंसाफ करेंगे? अगर कोई भी इस तरीके की कहीं भी कोई घटना होती है, गलत बात है, ऐसी अगर कहीं पे कोई घटना है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना मुकदमा कायम, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तारिक, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ये जिम्मेदारी जो लोग पैनल में आते हैं उनकी भी है कि मामला जो मुद्दा है उससे भटके ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भाजपा यही सब करते करते एक दिन ये ना कह दे कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन भी नहीं थी, यही लोग लेके आए थे। मुझे ये डर है कि कहीं ये वहां तक ना पहुंच पाए, कहे यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं थी, 2014 के बाद ही आई। समाजवादी पार्टी को डर इस बात का है कि कहीं मुसलमान छिटक के भाजपा के पास न चला जाए। चार बार सरकार रही इसी उत्तर प्रदेश में आपकी, डर नहीं है मेरे भाई? अरे भाई, आप चार बार सरकार आपकी रही इसी उत्तर प्रदेश में, जिस योजना की बात कर रहे हैं, चार बार सरकार रही, चार बार प्लीज समय कम है। आप इन कर्तूतों से जो है कहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा है? आप करिए, मुसलमान भी आपको वोट देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, सबको आगे लेके जाएगी। ठीक है, ठीक है, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, आपने इस डिबेट के जरिए ये जरूर जाना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है आखिर उसके मुद्दे क्या हैं। कई मुद्दे बताए गए, बेरोजगारी, शिक्षा, कई सारी चीज़ें जो हैं जिनको लेकर के इस डिबेट के जरिए चर्चा हुई है और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग तर्क भी पेश किए गए हैं कि आखिर कमियाँ किन की रहीं। फिलहाल अब 24 के लिए और 24 के पहले की जो रूपरेखा है उसको तैयार करने में ये राजनीतिक दल लगे जरूर हैं, लेकिन ऐसे में ये जो मुस्लिम वर्ग है ये किस तरफ जाएगा ये देखना अहम है। आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।